करण है, मैं तो इन सबके साथ रोज रियूनियन करती हूँ, तो मेरे लिए कुछ रियूनियन नहीं, आप लोगों के लिए शायद आप लोगों के सामने हम लोग क्वार्टर में तैयार है, साथ में आ रहे हैं. बट इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू मीट योर फ्रेंड्स एंड मैं हमेशा से आई मैं रोज मिलती हूँ, सो नथिंग न्यू फॉर मी. ओके, करण के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज शायद ऑडियंस को उनका नया रूप देखने मिलेगा. करण के सारे रूप. ओके, तो मैम जैसे कि आप जानते हैं कि होली आने वाली है, तो क्या प्लान कर रही हैं आप होली के लिए? सर आपको जैसे कि पता ही होगा कि होली आने वाली है, तो क्या प्लान है इस बार आपके होली के लिए? होली मैं वैसे भी रंगों से दूर रहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा एलर्जी है, बट यस 99% प्लान यही होता है मैं शिवाना जी के घर चला जाता हूँ, वहाँ पर एक घंटा रिलैक्सी होली सबको मिलके मैं घर आ जाता हूँ. आई प्रेफर बीइंग एट होम एंड नाउ बिकॉज आई हैव अ डॉग, सो आई थिंक सो मैं वो भी नहीं शायद कर पाऊँगा, उसके लिए मुझे अब घर पे ही बैठना पड़ेगा. फिरनी, मेरे मम्मी के हाथ की फिरनी, आई लव इट, एंड वैसी फिरनी मुझे कहीं पर मिलती नहीं है, वो हमारे घर में सिर्फ होली पे बनती है. नहीं कलर से प्यार है, इट्स सिमिलर. मैंने बहुत खेली है बचपन में, बहुत खेली है, इको फ्रेंडली ये सब कहते हैं मगर अक्सर होते नहीं हैं. सो बट ठीक है, मैं हल्का हल्का गुलाल कोई लगाता है लगा लेता, बट आई कांट प्ले दैट मैसिव होली जो बचपन में खेलता था, या मैं उससे पहले काफ़ी साल पहले तक वृंदावन ज़रूर जाता था होली के लिए, दैट यूज़ टू बी माई बेस्ट मोमेंट कि मैं होली वृंदावन खेल के आया बहुत ज़्यादा. पम्मी आंटी के और मेरे फैंस को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्लीज़ सेव वाटर. आई नो हम लोग सिर्फ होली पे ही ये बोलते हैं, बट ट्राई टू प्ले ओनली इको फ्रेंडली, गुलाल वाला होली, पानी ना यूज़ करिए बिकॉज एनी वे द प्लैनेट इज गोइंग अंडर प्रॉब्लम. सो एंड हैव अ सेफ वन, ईट लॉट्स ऑफ फूड, कोई डाइटिंग नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो. सेवन चैनल आई डी, हाई यू आर वॉचिंग एस्ट्रो, योर नेम एंड यू आर वॉचिंग एस्ट्रो वानी. Hot, first of all, the channel's name is Hot with a double T's, hashtag original trending tales, और पहली सीरीज़ है couple of mistakes, तो couple तो होते ही हैं शादीशुदा, और उनकी couple of mistakes होती हैं, तो उसी के ऊपर हमारी कहानी आधारित है. And again, it's a slice of life, तू तू मैं, a comedy way of portraying husband wife. आपका किरदार का किरदार? मेरे किरदार का नाम है अश्विन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने टी शर्ट पहनी है, एंड आई वुड रिलेट 50% टू इट बिकॉज 50% मैं ऐसा ही हूँ, और बाकी 50% हमने कॉमेडी ऐड करी है, एग्जैजरेट किया है, सिचुएशंस बनाई हैं, तो जैसा रेगुलर हस्बैंड होता है बेचारा काम के बोझ का मारा, वैसा ही हूँ. अरे रोज़ की मतलब दर्जन के हिसाब से हो तो यार, मतलब चलती रहती हैं, अभी देखोगे पीछे फिर भी थोड़े बहुत बेल्टों के निशान होंगे, खाता रहता हूँ मैं मार. रंग देंगे बस, जो भी कलर आपका फेवरेट है होली में, तो फुल प्लान है धमाल करने का, जो बीवी कहे बाकी. स्पेसिफिक फूड भांग के लड्डू, क्योंकि शादी का लड्डू तो हो चुका है, अब भांग के लड्डू बचा सकता है. कलर से खेलना थोड़ा कम पसंद है क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर हमारा चेहरा सुनहरा सा, बट फिर भी तेल वेल लगा के मैं घुस जाता हूँ. Happy Holi everybody who's watching us, please keep watching us on Hot on YouTube and a couple of mistakes or Happy Holi. Cha nasib ki baat hai, nasib mein jay suni aise log likhe hue dost likhe hue kya plans hai aapke Holi ke? Bahut sare plans hai Holi mein, this year I'm not shooting aur main sabse happening jo party hai usme jana chahungi, to wahi plans hai abhi, matlab फिक्स नहीं हुआ है कहाँ जाऊँगी, बट मे बी आई विल बी देयर इन द जूम होली पार्टी. ओके, तो मैम किस तरीके की होली सेलिब्रेट करना पसंद है, कलर वाली, पानी वाली? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, मैं नॉर्मली ना सिर्फ पाउडर होली जो होता है वही मैं यूज़ मतलब ज़्यादा ही करती हूँ. मैक्सिमम टाइम ना मेरे को होता ही नहीं है, मैं शूट्स पे ही रहती हूँ, बट इस साल आई एम लकी, सो आई विल एंजॉय. बट ठीक है, अगर यू नो आप प्रॉपर जगह पे जाओ तो आजकल तो जो कलर्स यूज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम. बट यही मैं मतलब कहना चाहूँगी कि हमेशा यू नो हैव अ सेफ होली. मैम कोई एक स्पेसिफिक होली पर? एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो खाना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ.
सॉरी मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बट स्टिल यस मेरा सबसे फेवरेट है शोरशे इलिश एंड भात. तो मैम अपने फैंस को कौन सा है ये इसके सारे दर्शकों को मेरे फैंस को सारे ओके ओके. मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि विश यू अ वेरी हैप्पी होली, प्ले सेफ होली, डोंट गेट ड्रंक एंड हैप्पी होली. मैम आई नीड वन चैनल आईडी. हाय योर नेम एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रो वानी. एस्ट्रो वानी के बीच में जो मिस्टेक्स होती हैं उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, और फिर उसके बाद में जब झगड़ा हो जाता है तो फिर एक दूसरे को समझ लेते हो. अब मैं ये अपना दिमाग से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इन लोग ने कैसे प्रेजेंट किया है, वो मुझे देखना पड़ेगा और आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज करण बीइंग अ फ्रेंड एंड बरखा आल्सो बीइंग अ फ्रेंड, सो इन लोगों ने आई थिंक दे मस्ट हैव डन व्हाटएवर दे हैव डन इज़ ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सोचा होगा और समझ के ही किया होगा. मेरा अगर मैं बोलूं तो वन सेकंड मेरा मुंह सूख रहा है, सॉरी. पूजा इज देयर. अच्छा हाँ, सो आई एम सॉरी. सो मैं ज़्यादा और क्या बोलूँगा, कपल ऑफ मिस्टेक्स में तो हर कपल कोई मिस्टेक करता है और फिर उसके बाद में सोच के और समझ के बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि छोटी सी मिस्टेक हो गई, और फिर उसके बाद में लोग सॉरी बोल देते हैं, दे पैच अप द केस एंड देन दे मेक आउट. दो मीनिंग बनते हैं. हाँ हाँ, तो पहले मैं वो जो मीनिंग था वो मुझे ऐसा लगा कपल ऑफ मिस्टेक मतलब कुछ मिस्टेक्स होती हैं, बट अब मुझे पता चल रहा है बिकॉज दे आर कपल्स, सो ऑब्वियसली उन्होंने सोच समझ के रखा है कपल ऑफ, सो इट्स वेरी वेरी ट्रेंडिंग ऑल्सो एंड अच्छा है, थोड़ा कैची है. सो हाँ, आपका सवाल क्या है? आप कितनी मिस्टेक्स करते हैं? मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, और मैं और बोलते हैं ना कि आप अपनी मिस्टेक्स से ही सीखते हो, गिरते हो, फिर वापस से उठते हो, फिर वापस से गिर जाते हो, और आपको लगता है कि आप बस गिरते पड़ते रहो. तो मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, और ये तो पूजा को ही पता है कि मैं कितनी मिस्टेक्स करता हूँ, नहीं करता हूँ. करण को जो करता है वो किरदार, वो एक्चुअली वो लेकर भी आता है, बिकॉज आई थिंक बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बी क्रिएटिव, सो वो सारी चीज़ें कर लेता है जो शायद वो ऑफ स्क्रीन करना चाहता था, अब वो ऑन स्क्रीन कर रहा है. सो जो कर रहा है आई थिंक वो इसी में हमें इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो अब वो उसके ऊपर है कि वो आगे और क्या करना चाहता है, बिकॉज व्हेन यू डू ऑल दीज स्मॉल थिंग्स जो कि एक वेब बहुत बड़ा बन चुका है, सो उससे फिर वो लोगों के ऊपर है कि उनको कितना पसंद आता है, कितने हिट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट ऑडियंस इज लाइक, फिर उसके बाद आप करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो. सर होली आ रही है, होली आ रही है, कब है होली? मेरे होली के है प्लान, मैं इस बार मथुरा जा रहा हूँ, ब्रिज की होली देखने जा रहा हूँ, बिकॉज अब थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम है, सो मथुरा जा रहा हूँ और कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ब्रिज की होली में मस्त लठमार होली देखेंगे, फिर उसके बाद मैं अजमेर ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे नेटिव में, सो हाँ, और फिर बॉम्बे में तो नहीं रहूँगा, अगर रहा तो फिर आप लोग से मुलाकात होगी वापस से, अगर सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई तो. नॉर्मली किस तरीके की होली खेलना पसंद करते हैं? कलर मैं एकदम हाँ फुल वाइल्ड होली, मतलब चाहिए मुझे कलर्स चाहिए, गोल्डन सिल्वर पेस्टल जो चाहिए मैं लगा दूंगा. हम तो गटर में भी गिरा देते थे जब हम बच्चे थे, सीरियसली वो हमें रात को ही प्रिपरेशन करते थे कि गड्ढा खोदो और सुबह तक मस्त उसमें गंदा सा पानी जाएगा और उसके बाद में सबको उसमें फेंकना है. नॉर्मली होली में किस तरीके का खाना आपकी मतलब एक कोई स्पेशल डिश जो खाना? पहले भांग पीना चाहिए अबाउट 21, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ही भांग पीना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली जो भी चीज़ें करता हूँ, सो मैं पहले भांग पीता हूँ और फिर उसके बाद में मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ उस दिन, बिकॉज आई थिंक भांग का ही मज़ा है, वो जो प्रसाद होता है उसमें जो, और मैं टाउन में आई रिमेंबर गोइंग टू वालकेश्वर, वहाँ पर एक जगह है वहाँ पर भांग मिलती है, तो अगर वहाँ की भांग खा लो, अब पता नहीं वो टेस्ट अब रह गया है कि नहीं, बट वो बहुत अच्छी है, लिमिटेड खाओ और अच्छे से अपना झूमो. अगर मौका मिले तो वालकेश्वर का भांग टेस्ट करना? हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे वालकेश्वर का भांग भी टेस्ट करेंगे और फिर वहाँ पे होली भी खेलेंगे कुछ लोगों के साथ. ओके, सब फैंस को होली विश करते हैं. ऑलराइट, हाय, दिस इज मी कुणाल वर्मा. मेरे फैंस को और इनके फैंस को और आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली. थैंक यू. थैंक यू सर. आई नीड योर नेम एंड यू आर वॉचिंग First India, but okay. You don't have to say, you all have right. to say you are watching Astro Vani.
एस्ट्रो वानी एस्ट्रो वानी ओके सो इंग्लिश और हिंदी में चाहिए आपको ओके हाय दिस इज मी कुणाल वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग एस्ट्रो वानी कीप वाचिंग थैंक यू इट्स अबाउट होली सी मेरा होली पे हमेशा प्लान होता है कि मैं घर पे छुप जाऊंगी बिकॉज मुझे एलर्जी है कलर्स से और मैं लोगों को भी यही बताना चाहूंगी कि अगर खेलना है तो क्रायलॉन के जो हमारे स्टिक आते हैं जिससे हम मेकअप करते हैं उसी से खेलें अपनी स्किन को बर्बाद मत करो जस्ट फॉर वन डे प्ले विथ यू नो फिल योर लाइफ विथ कलर्स नॉट विथ एक्चुअल कलर्स ऑन योर फेस तो मैम जैसे कि आपने बताया आप एलर्जिक है कलर्स yes. पानी से खेलना पसंद करती हूँ एज फार एज कीचड़ वहाँ पे नहीं हो बिकॉज दैट मेक्स मी रियली सिक मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर्स कलर्स उड़ते हैं एट द सेम टाइम बुरा भी लगता है जब वो आँखों में घुसते हैं तो सो जस्ट आई वॉन्ट से एवरीबडी के फिल योर लाइफ विद कलर्स बट नॉट विद दोज कलर्स विच इरिटेट्स यू यार वैसे मेरा हमेशा से एक सपना है कि हाँ कि मैं भांग पीऊँ और एक्चुअली फील करूँ व्हाट इज़ एक्चुअली भांग का नशा ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज आई ड्रिंक आई हैव हैड लाइक ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक्स बट ये भांग का जो नशा है ना मुझे अभी तक आई हैव नो आइडिया अबाउट इट सो ये मेरा सपना है कि मैं ऐसे टाइम पे करूँ जब मुझे इसका गुड एक्सपीरियंस हो हैप्पी होली गाइज बी सेफ एंड बी गुड मैम वन चैनल आइडिया नीडेड आई एम सना खान एंड यू आर वाचिंग सारा खान सॉरी आई एम फॉरगेट इट आई एम नॉट गिविंग एनी आईडिया नो